हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानेंगे। और ये जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि कौन सा ग्रह किसका ऑनर है, वो हमने शेयर किया था, और उसके बेसिस पे कैसे उसको याद किया जा सकता है, उस थ्योरी को बहुत ही इजी वे में साइंटिफिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। आज मैं दृष्टि के बारे में भी उसी आसान तरीके से, जिसको मैथमेटिकल बेसिस पे याद किया जा सकता है, उसकी मैं यहाँ पे बात करूँ। तो आप देख रहे हैं, सूर्य की दृष्टि सेवेंथ नंबर हाउस में होता है, चंद्रमा सेवेंथ नंबर, बुध सेवेंथ नंबर, शुक्र सेवेंथ, बाकी सारे प्लैनेट का सेवेंथ नंबर सब पे होता है। लेकिन उसके अलावा दो अलग अलग दृष्टियां हैं, जैसे मंगल 4 और 8 को देखता है, गुरु 5 और 9 को देखते हैं, शनि 3 और 10 को देखते हैं, राहु और केतु 5 और 9 को देखते हैं। तो ये दृष्टि हो सकता है कि आप याद कर लें, लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, जो हमारा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है, वो भी एक उसको आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझने में। ऐसा क्यों, क्या ये रट लेने वाला ऐसे स्पिरिचुअल स्टडी है? नहीं, इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको बहुत ही आसान मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा समझाने का, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये हमारा जैसे स्ट्रक्चर जो है, हमारा ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारा मंडल है, जो हम जिस तारे मंडल में रहते हैं उसमें जो सन है, सन जो है ये हमारा सेंटर में है, और उसके बाद जो ऑर्बिट है ये मर्क्यूरी का है, सेकेंड जो ऑर्बिट है वीनस का है, और उसके बाद अर्थ का है, और उसके बाद अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इसके बाद जो है मार्स का है, ये हम मार्स मान लेते हैं, यहाँ पे मार्स और मूव कर रहा है, और उसके बाद जुपिटर का है, ये समझ लीजिए जुपिटर है गुरुदेव, जुपिटर मीन्स बृहस्पति गुरु, और उसके बाद सैटर्न, ये हमारा सैटर्न। अब आपको देखिए, ये है इनर प्लैनेट, लाइक ये अर्थ का 30 ऑर्बिट के बाद इनर प्लैनेट मीन्स कि इसके अंदर का प्लैनेट, और ये है आउटर प्लैनेट। आप सुनते भी होंगे ये आउटर प्लैनेट है, ये इनर प्लैनेट है, तो इनर प्लैनेट शुक्र और मरकरी और सन है, और इसका जो उपग्रह जो है इसके आगे पीछे ये मून मूव करते हैं, तो मून इस तरीके से ये 15 दिन का साइकिल होता है, पूरे 29 दिन का साइकिल होता है, पूरा ये साइकिल सन का, ये अर्थ का चक्कर काटते हैं। तो हम सन, मर्क्यूरी और वीनस, ये इनर प्लैनेट है, इनकी 7 दृष्टियां होती है। ऐसा क्यों, 7 दृष्टि मीन्स 180 डिग्री, ये 180 डिग्री मीन्स ये जो सन का जो लाइट सीधा ये अर्थ पे पड़ेगा, तो 7वां दृष्टि मीन्स 180 डिग्री के लाइन पे स्ट्रेट पैरेलल ये क्रिएट होगा, मीन्स कि अगर जहाँ भी ये इनकी दृष्टि घूम रही है तो 180 डिग्री से ये साइकिल बनेगा। सपोज ये अलग अलग यहाँ पे हम हाउस क्रिएट है, इस अर्थ पे अलग अलग लोकेशन पे हाउस क्रिएट है, और ये सन सपोज इस हाउस को देख रहे हैं, इस हाउस में है, तो यहाँ से 180 डिग्री दृष्टि मीन्स ये सामने से 180 डिग्री की तरफ मूव करेंगे, और ये भी प्लैनेट जो है मर्क्यूरी, ये भी 180 डिग्री इधर इनको देख रहा है, और वीनस भी 180 डिग्री का एक साइकिल ये इस हाउस को देखेंगे,
जहां से होंगे वहां से उस हाउस को देखेंगे 180 डिग्री, और बाकी जो प्लैनेट है इनके अलग अलग दृष्टियां हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आउटर प्लैनेट है, इनसे जो रेज आता है, सपोज सन का रेज ये सीधा ऐसे आया, वीनस का रेज ऐसे, मर्क्यूरी का रेज ऐसे आया सीधा 180 डिग्री, लेकिन यहाँ से जैसे सन का लाइट यहाँ जाता है और रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि सन हर जगह लाइट सेंड कर रहा है और उस लाइट से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एक प्लैनेट, अब ये रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होता है। अब सपोज मर्क्यूरी का रिफ्लेक्शन होता है तो वापिस सन की तरफ आ जाता है, वीनस की तरफ रिफ्लेक्शन होता है तो वापिस सन की तरफ आ जाता है, लेकिन एक जो इस लाइट के कम्बिनेशन से लाइट बन करके एक सीधा 180 डिग्री पे जाता है, इस कारण से 180 डिग्री तो सामने जा रहा है लेकिन और जो रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है वो लाइट हम अर्थ नहीं होने के कारण ये वापस इधर ही आ जाता है, क्योंकि लेकिन जब विंड जुपिटर पे लाइट जाता है तो ये रिफ्लेक्शन होता है। एक तो 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन सबके साथ बनेगा, सबके साथ बनेगा, क्योंकि छाया सपोज ये यहाँ पे जुपिटर आ गया तो 180 डिग्री है, यहाँ से 180 डिग्री सीधी लाइन खींचेगा, 180 डिग्री ये सीधी एक लाइन डेवलप होगा, सैटर्न से एक सीधी लाइन डेवलप होगा, तो इस यहाँ पे देखेगा जुपिटर, देखेगा यहाँ पे देखेगा, तो 180 डिग्री का लाइन तो डेवलप होगा सबके साथ, लेकिन जब सन का लाइट जुपिटर पे जाएगा तो ये एक रिफ्लेक्शन होगा। आप इससे मैं एक करता हूँ आपको, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सन है, ये हम अर्थ है, ये मार्स है इसके बाद, तो इसका रिफ्लेक्शन एक तो 180 डिग्री सीधी आएगी, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो इसके रिफ्लेक्शन 4 नंबर और 8 नंबर में, और जुपिटर का इसके बाद जुपिटर है, तो जुपिटर का रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल से डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से वो डेवलप हो रहा है, तो एक आउटर मींस ये अर्थ के बाद ये मार्स है, तो 4 और 8 को व्यू कर रहा है रिफ्लेक्शन के कारण, और ये जुपिटर है तो एक ऑर्बिट चेंज हो गया, ये इस ऑर्बिट में है और ये इस ऑर्बिट में है, एक ऑर्बिट चेंज होने से जुपिटर किसको देखता है, एक ऐड कर दीजिए 5 और 9 पॉइंट, सैटर्न शनि इतना दूर है कि इनके रिफ्लेक्शन होते हैं 10 नंबर पे और उसके बाद 3 नंबर, तो बताने का मेरा मकसद ये है कि जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट जो हमने यहां देखा, जो इनर प्लैनेट है अर्थ से, ये इनर प्लैनेट जो है ये वीनस, इनके भी रिफ्लेक्शन होते हैं लेकिन इनकी रेज वापिस सन की तरफ आ जाता है, अर्थ पे नहीं जाता, इसलिए इनकी दो दृष्टियां, अदर जो दो दृष्टियां ये मार्स जुपिटर और सैटर्न का है वो नहीं है। उसी तरीके से ये राहु और केतु है, कंजंक्शन पॉइंट राहु केतु है, तो इनके साथ रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं, तो इनका एक 180 डिग्री का भी एंगल बनता है और रिफ्लेक्शन की लाइन भी बनती है, तो इस कारण से राहु केतु के भी रिफ्लेक्शन के क्रिएट होता है, लेकिन जो आउटर प्लैनेट है उनके अदर दो दृष्टियां हैं, जो आउटर प्लैनेट है नंबर 1 में मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, और इनर प्लैनेट में जो है मार्स का 4 और 8 को देखते हैं तो गुरु जो देखते हैं 9 और 10 को देखते हैं, और उसके बाद सैटर्न में
इतना सर्टन शनि इतना दूर है कि उनमें थोड़ा सा वो सीक्वेंस नहीं मिलता है, लेकिन 9 के जगह 10 है और 3 नंबर है। मीन्स कि 9 के 4 वाला 5 वाला पोजीशन 10 पे चला गया और उतना ही आप ऐड कर देंगे तो 3 नंबर आ जाएगा नेक्स्ट वाला पोजीशन। तो जो 4 प्लैनेट है, मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लैनेट जो है आउटर प्लैनेट है, इनको एक्स्ट्रा 2 दृष्टियां हैं। राहु केतु के वो भी 2 दृष्टियां हैं, लेकिन और उसके बाद इनर प्लैनेट केवल 1 दृष्टि है, और 1 दृष्टि मीन्स 180 डिग्री। अब 180 डिग्री और हाउस को देखना, दोनों में फर्क है। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो। यहाँ पे मैंने बताने की यही कोशिश किया हूँ कि जो इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट के कारण दृष्टियों को रिफ्लेक्शन के कारण सन के लाइट से जो सन के लाइट से रिफ्लेक्शन होता है, उस कारण से हमारे बॉडीज पे, हमारे अर्थ पे आने के कारण उसके रिफ्लेक्शन अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग लोकेशन अलग अलग हाउसेज में पड़ते हैं, उस कारण से उनको दृष्टियाँ अलग दी गई हैं। वरना इनर प्लैनेट यही आउटर प्लैनेट होता तो इनको भी अलग दृष्टियाँ होती। तो ये कतई नहीं है कि ये स्पिरिचुअल किताबों में लिख दिया गया वैसा। ये अगर आप साइंटिफिक तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये जानने को ही मिलेगा। और इस विधि को जानने से क्या हुआ, आप जो लिखा हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, और उस साइंस को समझ लेने से क्या होता है कि हम बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब पंडित जी लोग बोलते हैं क्या 107 नंबर हाउस को देखना है। अब सपोज मैं यहीं पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। अब सपोज यहाँ पे हाउस नंबर 1 में, हाउस नंबर 1 में सन है, ये हाउस नंबर 7 को देखेंगे, क्या ये सही है? नहीं। हाउस नंबर 1 में सन जो है वो है 5 डिग्री पे, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री को देखेंगे, उससे 4-5 डिग्री आगे पीछे, तो 180 मतलब 170 से लेके 190 डिग्री आप मान के चलो, 180 डिग्री मैक्सिमम होता है। अब इस हाउस को मींस इसमें जो प्लैनेट होगा कोई भी, या इस हाउस को लगभग ये तुला राशि है, तुला राशि में ओनली 5 डिग्री तक देख 5 डिग्री तक ही देखेंगे, और 28 डिग्री पे अगर शनि देव हैं तो शनि पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलेंगे कि शनिदेव 7वें नंबर हाउस को देख रहे हैं, और सूर्यदेव 7वें नंबर हाउस को देख रहे हैं और वहाँ पे शनिदेव बैठे हैं और शनि को इफेक्टेड होगा और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी गलत होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 180 डिग्री मात्र तुला राशि के 5 डिग्री तक होगा, और 28 डिग्री पे शनिदेव बैठे हैं उसे कोई इफेक्टेड नहीं होगा। मीन्स कि शनि पे कोई भी सूर्य का दृष्टि नहीं है, या सटर्न की कोई दृष्टि नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरीके का भविष्य इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते रहने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जानते रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और धीरे धीरे आप जुड़े रहिए तो आपको धीरे धीरे एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बिना याद के याद हो जाएगा, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।